आर्टिस्टिक लाइफ विद पीहू प्रीति। इस वक्त हूँ मैं मेरे होम टाउन में अपने मम्मी पापा के घर, और आज मैं कराने वाली हूँ आपको मेरे पापा के इस ब्यूटीफुल मिनी गार्डन का टूर। इस तरीके के खूबसूरत से गार्डन बड़े शहरों में बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जनरली हम लोग फ्लैट्स में रहते हैं तो हमें इतना स्पेस नहीं मिलता कि हम बहुत खूबसूरत सा गार्डन क्रिएट कर सके। लेकिन ये देखिए कितना खूबसूरत सा गार्डन है, और इतने कलरफुल फ्लावर्स यहाँ है कि आप जब इस गार्डन में बैठते हैं तो एक नेचर की बहुत ही खूबसूरत सी फीलिंग आती है। गर्मी के मौसम में इतने ढेर सारे फूल देख करके मन बहुत ही शांत और ठंडा हो गया है। तो चलिए मेरे साथ जुड़ जाइए और आप लोग भी इन सारे फूलों की खुशबू लीजिए। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ ये पूरा गार्डन वन बाई वन। ये जो आप पूरा गार्डन देख रहे हैं इसका साइज बहुत बड़ा है, और वीडियो में हो सकता है कि आपको देखने में लगेगा कि ये छोटा है, लेकिन ये छोटा सा गार्डन नहीं है, काफी अच्छा साइज है इस गार्डन का। तो इस पूरे मिनी गार्डन को कवर किया गया है इन ब्यूटीफुल ग्रीन कलर के फेंस से, और ये जो फेंस है ये पूरे बैम्बू के बने हुए हैं खूबसूरत से, और सबसे सुंदर है इसका ये गेट। अभी इस गार्डन को बने हार्डली 1.5 ईयर हुए हैं, तो ये पूरा इस साइड से कवर नहीं हुआ है, लेकिन हाँ एक साइड से ये पूरा कवर हो चुका है। और आप जो ये फ्लावर देख रहे हैं इसको बोलते हैं मधुमालती। जब आप यहाँ एंटर करते हैं तो यहाँ इतनी अच्छी खुशबू आती है, इवन रात के वक्त ये पूरा एरिया खुशबूदार हो जाता है। और इस गेट के ऊपर आप देख रहे हैं ये लगा हुआ है एक सोलर हैंगिंग लाइट, जो कि रात को जलता है, बहुत ही कलरफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल है ये लैम्प। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस क्यारी से। तो ये देखिए ये है बटन गुलाब, इसको गार्डन रोज बोलते हैं, और ये व्हाइट कलर का है, और ये इतने बंचेज में आया है, आपको मैं पूरा उठा करके दिखाती हूँ। ये देखिए इतने गुच्छे गुच्छे, जैसे कि बुके, जैसे बुके में ढेर सारे फ्लावर्स लगे रहते हैं, वैसे गुच्छे गुच्छे में इसमें ये व्हाइट कलर के रोज आए हुए हैं, इतने खूबसूरत, और इसमें भी बहुत ही भीनी भीनी सी खुशबू आती रहती है। बगल में है ये डहेलिया का, जैसे कि मैंने बोला कि समर चल रहा है इतनी, तो गर्मी में कुछ कुछ ये सूख भी गए हैं। विंटर की मेरे पास अगर वीडियो होगी तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। विंटर में यहाँ पे इतने फ्लावर्स थे कि मैं बता नहीं सकती। अभी फिलहाल यहाँ पर है ये एक ऑरेंज कलर का डहेलिया, और खूबसूरत सा ये देखिए पर्पल डहेलिया, जो कि डबल शेड में है लाइट और डार्क। और यहाँ पर एक और डहेलिया है जो कि है येलो कलर का, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, आ जाइए नजदीक से। और जब ठंडी का मौसम था तो यहाँ पर ढेर सारे इस तरीके के लगे हुए थे, हमें आने में थोड़ी लेट हो गई, तो ये थोड़े थोड़े से सूख रहे हैं अभी। अगेन ये बड़े से लाइट कलर के डहेलिया देखिए पर्पल, कितना खूबसूरत, वो डार्क पर्पल था, ये लाइट शेड में है पर्पल डहेलिया के बगल में। ये जो आप खूबसूरत फ्लावर देख रहे हैं, पहले मैं हम रात को यहाँ पहुंचे तो मुझे लगा कि ये रेड रोजेज है, बट इसका नाम है जिनिया एलिगेंस, और सच में ये बहुत ही एलिगेंट फ्लावर है, देखने में देखिए कितना ये खूबसूरत है। और सबसे अच्छी बात है सारे फ्लावर्स जो आए हैं पौधों में वो बल्क में आए हैं, ऐसा नहीं है कि एक पौधे के अंदर सिर्फ एक या दो फ्लावर देख रहे हैं, बल्क में फ्लावर है। और आप जो ये नीचे पूरे गार्डन में जो आप प्लांट देख रहे हैं इसको बोलते हैं दुरंता एरिक्टा, जिससे पूरे गार्डन को बाउंड्री दी गई है, और इसका कलर बहुत ही प्यारा सा लाइट ग्रीन धानी कलर का है, जो काफ़ी इन्हेंस करता है इस पूरे गार्डन को, उभर के आता है, पॉपअप करता है इस पूरे गार्डन को। आप रात को भी देखेंगे तो ये बिल्कुल शाइन मारता है, बहुत ऐसा नियॉन कलर दिखता है रात में, बट ये एक बहुत ही लाइट ग्रीन, बहुत ही प्यारा सा है, जिससे पूरे गार्डन को एक बाउंड्री दी गई है। और ये पूरे गार्डन में आपको इस तरीके के ये लैंप दिख रहे हैं, और ये सोलर लैंप हैं जो कि सोलर लाइट से चलते हैं। सबसे अच्छी बात है कि आप जब इसको रात में देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक मशाल जल रही है, तो जब वो एक ट्राइब्स वाली फीलिंग आती है, जैसे कि जंगलों में लोग रहते थे तो इस तरीके की मशाल जलाते थे, तो ये सोलर लैंप पूरी लगी हुई है हमारे गार्डन में। स्टार्टिंग मैंने आपको दिखाया था कि एक हैंगिंग सोलर लाइट लगी हुई थी, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, इसका नाइट व्यू मैं आपको बहुत जल्द दिखाऊंगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन खूबसूरत से रोजेस को, ये
बहुत ही प्यारे से पिंक रोजेज हैं जो कि बल्क में आए हुए हैं, ये देखिए। और ठंडी के मौसम में मैं सच बता रही हूँ, मैंने इतने गुलाब नहीं देखे थे जितने यहाँ पर थे। ऑरेंज, पिंक, वाइट और रेड, मतलब उसमें भी अलग अलग शेड, येलो, मतलब जितने गुलाब आपको बुकेज वगैरह में दिखते हैं सारे यहाँ लाइन से लगे हुए थे। आपने डार्क पिंक देखा था और ये देखिए लाइट पिंक रोज। इसमें ये देखिए, ये वाइट रोज है, इसमें एक बर्ड भी है, हो सकता है कल सुबह तक खिल जाए, ये देखिए। और ये हल्का सा वाइट और येलो कलर मिक्स है, वैसा है। और जो मेरा फेवरेट कॉर्नर है वो है ये, इतने सालों बाद मैंने सन स्टार्स देखे हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है ना। और फेंस सूरजमुखी से ढका हुआ है और रात को पीले कलर वैसे भी आप देखते होंगे कि बहुत ही दूर से भी बहुत अच्छे से चमकते हैं, तो ये सूरजमुखी जब भी कोई एंटर करता है तो उस पर इसकी नजर जब भी जाती है बहुत ही खूबसूरत लगता है। छोटे छोटे लाइट और जुगनू जल रहे हैं यहाँ पर। सूरजमुखी के पीछे जो फेंस लगा है इसके ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत सा और यूनिक सा फ्लावर लगा है जो कि पूरे फैला हुआ है इस फेंस पे, और इसका नाम भी इसके जैसा ही बड़ा यूनिक सा है। इस फ्लावर का नाम है ब्लीडिंग हार्ट वाइन, यहाँ पर देखिए। और ये बहुत ही गुच्छे में आता है, बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर है, और ये इसने पूरे इस फेंस को कवर कर रखा है। उसके साथ ही मैं आपको मेरे पीछे दिख रहे होंगे छोटे छोटे येलो फ्लावर्स और जो कि देखने में कनेल के फूल जैसे लगते हैं, बट ये कनेल नहीं है। इसका नाम बड़ा ही टफ है, टंग ट्विस्टर, तो मैं बोल नहीं पाऊंगी बट मैं मेंशन कर दूंगी। बहुत ही खूबसूरत सा ये फ्लावर है जिसने इस पूरे फेंस को कवर कर रखा है। ठंडी के मौसम में जब मेरे पास इसकी फोटोज आई थी और वीडियोज आई थी तो ये जो आपको थोड़े थोड़े भी जो पीछे बांस वगैरह दिख रहे हैं ये बिल्कुल नहीं दिख रहे थे, ये पूरे कवर हो गए थे। फेंस के नीचे आप देखिए तो ये पूरे गेंदे के जो छोटे छोटे वाले गेंदे होते हैं वो लगाया गया है, एक दो अभी इसमें खिले हुए हैं। इसको बोलते हैं सरफीनिया और ये बहुत ही गुच्छे में आता है। मोस्टली अगर आप इसको बालकनी में लगाएंगे ना तो आपकी पूरी बालकनी कवर हो जाएगी, और आप देखते होंगे कि फॉरेन कंट्रीज में बोगनविलिया और इस तरीके की सरफीनिया लोग अपनी बालकनी में लगाते हैं यूरोप वगैरह में, तो ये वही सरफीनिया प्लांट है। बहुत ही खूबसूरत फ्लावर है और रंग बिरंगे इस पूरे गार्डन में आपको हर कलर के फ्लावर्स मिल जाएंगे, अलग अलग शेड्स के। जैसे ये फ्लावर और ये फ्लावर सेम है, ये येलो कलर में है और ये ऑरेंज कलर में है, और ये इसका नाम है झूला वाइपर टेल। इस फ्लावर का जो नाम है वो है झूला वाइपर टेल और ये बहुत ही खूबसूरत है। ये दोनों सेम है, मुझे नाम याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया, ये वो है। और यहाँ पर लगी हुई है मधुमालती जो कि गेट पे लगी हुई थी, तो मधुमालती की खुशबू बहुत अच्छी होती है, मैं आपको बता रही हूँ, तो इसकी भीनी भीनी खुशबू आ रही है, तो ये पूरा गार्डन मधुमालती से महकता है हमेशा। ये भी कुछ कुछ फ्लावर्स लगा रखे हैं, अभी ये सारे छोटे हैं, मॉनसून के बाद यहाँ और अच्छी हरियाली आ जाएगी क्योंकि जो गार्डनर है वो आकर के पूरा ख्याल रखेगा। और अगेन हमारा टूर कम्प्लीट होता है वहां से लेके यहाँ तक। इसके अलावा भी बहुत से पौधे मेरे घर में है, मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन से पौधे मेरे घर में लगे हुए हैं। हाँ, एक चीज तो मैं भूल गई, और ये देखिए हमारे गार्डन के सेंटर में लगा हुआ है ये फाउंटेन, और हम लोग अभी गए रात यहीं पर बैठकर डांस कर रहे थे, गाना गा रहे थे, मस्ती कर रहे थे, म्यूजिक साउंड सब चल रहा था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये फाउंटेन मेरे पापा ने बाहर से इसको इम्पोर्ट करवाया है, बहुत ही खूबसूरत सा है। और तो यहाँ पर खड़े होकर के फोटो बहुत अच्छी आती है, अगर आप रात को भी फोटो खिंचाते हैं तो बहुत ही सुंदर फोटोज आती है, तो आप कह सकते हैं कि ये हमारे घर का सेल्फी पॉइंट है। और इस वक्त हमारे घर में इतना आम आया हुआ है, हमारे आंगन में ये आम का बहुत बड़ा सा पेड़ है। और अब मैं आपको एक एक करके सारे लैंप जला करके दिखाती हूँ जो सोलर वाले हैं। तो ये जो यहाँ पर हैंगिंग लाइट लगी थी सबसे पहले मैंने इसको जलाया है, और अब बारी है गार्डन में लगे हुए लैंप को जलाने का।
देखिए ये कितना खूबसूरत है, एक मशाल जैसा ये देखने में लगता है। और अच्छी बात है कि किसी कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है, सोलर लाइट है ये। इस पूरे गार्डन को बनाने के पीछे जो थॉट था और जिसका आइडिया था वो मेरे बड़े भाई का है। उन्होंने ही इस गार्डन के बारे में सोचा और उन्होंने ही इस स्पेस को इतना खूबसूरत बनवा दिया। तो ये सारा क्रेडिट जाता है मेरे बड़े भाई को। और हाँ, गार्डन बनने के बाद उसकी देखभाल में जो सबसे ज़्यादा करते हैं वो है मेरे मम्मी पापा। तो ये है हमारे गार्डन का नाइट व्यू, बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहाँ पर रात को हम लोग बैठते हैं, म्यूज़िक चलाते हैं और गाने वगैरह गाते हैं और यहाँ खूब ठंडी ठंडी हवा चलती है शाम के वक्त, तो हमारी पूरी फैमिली यहीं पर बैठ कर के इंजॉय करती है। तो इस तरीके के गार्डन अगर आपके पास स्पेस है तो आपको ज़रूर बनाने चाहिए। और सीज़न वाइज इसमें फ्लावर्स आते रहते हैं अलग अलग तरीके के, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है अपना घर देखने में भी और हम नेचर के थोड़े और करीब हो जाते हैं। तो ये था मेरे मायके के मिनी गार्डन का कंप्लीट टूर। आई होप कि ये सुंदर सा बगीचा आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इस तरीके का गार्डन आप लोगों के घर में है या नहीं है। जिनके घर में है वो तो मुझे जरूर बताएं। तो चलिए, अब टाइम हो गया है आप लोगों से विदा लेने का और मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे अच्छे आइडियाज के साथ। तब तक के लिए बाय।